अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट, मैं तौसीफ रहते हैं। नाजरीन, बात करेंगे जो आज जम्मू कश्मीर में क्रिकेट उरूज पे है, चाहे हम टेनिस बॉल की बात करें या लेदर की बात करें। अभी हम मौजूद है अकिनगाम में, यहाँ पे T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसमें करीबन 32 टीम्स ने पार्ट लिया। और जो मेन थीम रखी गई थी इस टूर्नामेंट की, ये यही रखी गई थी, क्योंकि जो हमारे नौजवान आजकल ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या ड्रग की तरफ रागिब हो गए हैं, तो यही थीम रखी गई है इस टूर्नामेंट की। और आप मैं विजुअल्स में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, बुजुर्ग भी यहाँ पे, औकाफ कमेटी भी आई थी जो यहाँ पे। ये जो खेल हैं, अगर हमारे नौजवान आज के दौर में मसरूफ रहें खेलों के साथ, तो इससे हमारे समाज में जो बिदात, नशे की बिदात है, ड्रग एडिक्ट बने हैं हमारे नौजवान, तो उनसे वो शायद पीछा छूट सकता है उनका। तो दूसरी बात यह है कि ये जो COVID-19 से ये जो हालत पड़ा है सब कुछ, तो उसे हमारे नौजवान घरों में पड़े हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो वांडर बनेंगे, तो उसे एक फिजा कायम होगी। ये जो क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल या कोई खेल खेलेंगे, तो उसे एक फिजा बनेगी कि ये मसरूफ रहेंगे खेलों में, तो ये जो डिप्रेशन होगा उनसे कम होगा। हमने एक्चुअली इसके बारे में लिखा है, ये जो ये सपोर्ट्स ये डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको लिखा है हमने पहले ही, तो उसके लिए एक ज़मीन देख ली है हमने, तो उसके कागजात बन रहे हैं, तो उसमें 1-1.5 महीना लग सकता है, तो फील्ड इंशाल्लाह आगे बहुत बड़ा फील्ड होगा यहाँ के नाम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपका खैर मकदम करते हैं। जैसा कि खेलों की अहमियत का सवाल है, ये
बढ़ाई के साथ साथ इसके एक बेहद ज़रूरत है आज के दौर में। हम इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए हम एक सपोर्ट स्टेडियम उनको इजरा करने में हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसमें बहुत मतलब एक कलील अरसे में कामयाब हो जाएंगे। बाकी रहा खेल कूद का, अगर खेल कूद नहीं होगा तो ये बच्चे दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे इनके कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमने भी इनको मतलब जो हमारी विसिनिटी में जो अभी फैसिलिटी है, छोटे छोटे खेल कूद के मैदान जो है हमने उनको प्रोवाइड रखा है, चाहे वो स्कूल हो या ये जगह हो या कहीं और हो, तो हम इनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इनका जो मुस्तकबिल है और इनका जो टैलेंट है वो निखारा जाए और वो बाहर आ जाए। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हमारे गांवों से कुछ बच्चे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये स्पॉन्सर किया है, हम उनको मतलब मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये इसका इनकार यहाँ किया है, बहुत सारे बच्चों को इस खेल कूद में मशगूल रखा। तो लेकिन मेरी एक नसीहत रहेगी सब मतलब खिलाड़ियों से कि प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल, क्योंकि खेल से हमारे मतलब जिस डेवलपमेंट में एक डिसिप्लिन आना चाहिए था। तो इस लिहाज से मेरी गुजारिश हो जाएगी कि जब भी ये खेल खेला जाएगा तो डिसिप्लिन के साथ मेंटेन मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए और जो इसके मैनर्स है, खेलने के आदाब अतवार है, उनका भरपूर ख्याल रखना चाहिए। मैं तो आपको यही बात करता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है अलवाहिद क्रिकेट क्लब की तरफ से, और ये क्या बोलते हैं इसको, तुलपलो वत्सलो पेज है एक हमारा, इसका बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो लड़के हैं बड़ी गलत चीज़ों में मुबतला हुए थे। एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको हम इनकी दाद देते हैं, जिसके लिए हम इनको दाद देते हैं। दैट इज़ अ गुड सेटअप फॉर बोथ फॉर यूथ एंड फॉर दोज चिल्ड्रन विच आर वेरी मच एडिक्टेड टू द फोन मोबाइल फोन्स। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, बात करते हैं, हमें बहुत दिक्कत हुई थी पहले यहाँ खेलने से, तो हमने जो यहाँ SDM कुकरनाक से पहले परमिशन ली है, तो हम बेसिकली स्पोर्ट्स का हमें बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, हम कहीं पे खेल नहीं पाते हैं, यहाँ पे भी हमें कई मुश्किलें होती है जिसके लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राउंड है ही नहीं। अब हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से पहले परमिशन ली, उसके बाद SDM कुकरनाक की जानिब से हमें परमिशन मिला, देन आफ्टर वी वर रेडी फॉर हेयर टू प्ले।